हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और ऑल इंडिया के लिए कौन कौन से स्टेट पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो इससे पहले अगर नए वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाने में। तो आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। पहला नंबर तो एडमिट कार्ड चाहिए और दूसरा नंबर पे नीट 2019 का रिजल्ट एंड रैंक लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट, माइग्रेशन, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, और आपको चाहिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेट ऑनलाइन, ठीक है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ चाहिए कोई एक, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको बस। और नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि नोट यहाँ पे है जो मैं आपको बोल रहा था कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रही ऑल इंडिया कोटे के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला नंबर पे आपका है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरा नंबर पे तेलंगाना है, ये जो कि ऑल इंडिया कोटे के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये सिर्फ स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल है। नीट 2019 का कट ऑफ देखिए आपको बता रहा हूँ, जो अदर है उसका 50% होना जरूरी है, और OBC के लिए 40%, SC के लिए 40%, ST के लिए 40%, UR PH के लिए 45%, OBC PH के लिए 40%, और SC PH के लिए 40%, ST PH के लिए भी 40%। इसमें अदर्स के लिए मार्क्स होना चाहिए कम से कम 701 में 134 नंबर आना चाहिए, और OBC के लिए 133 में 107 नंबर, SC के लिए 133 में 107 नंबर, और ST को 133 में 107, और UR PH के लिए आपको चाहिए 133 में 120 नंबर, OBC PH के लिए चाहिए आपको 119 में 107 नंबर, SC PH के लिए चाहिए आपको 119 में 107, ST PH के लिए चाहिए 119 में 7 नंबर। बस आज के वीडियो में इतना ही है। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छे काउंसलर हैं जो कि नोएडा सेक्टर 15-18 में बैठते हैं और लक्ष्मी नगर में भी मिल जाएंगे, वो आप उनसे टच में रहिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाला हुआ है और साथ में उनके कांटेक्ट में रहिएगा, क्योंकि एक अच्छी काउंसलिंग ही एक अच्छा कॉलेज दिलाता है। अगर अच्छा काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आपका रैंक है स्टेट लेवल काउंसलिंग के लायक, आप कर दी ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो आप क्या होता है कि आप फंस जाते हैं, फंसने के बाद आपको क्या होता है, ड्रॉप करने पड़ जाता है। और बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के डालते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ये कॉलेज दिलवा दूंगा, इतने नंबर को दिलवा दूंगा, इतना कम फी में इतना अच्छा कॉलेज।